2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर सूबे के पूर्वांचल पर है। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल दौरे से इलाके को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे मतदाताओं में एक मजबूत संदेश दिया जा सके। कुशीनगर से लेकर वाराणसी तक विकास का पिटारा खोल दिया गया है, जिससे 2017 वाला करिश्मा फिर से दोहराया जा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था, हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पूर्वांचल की शुरुआत कुशीनगर से हो चुकी है। सिद्धार्थनगर और वाराणसी में कई परियोजनाओं से बीजेपी विरोधी दलों पर पूरी तरह हावी होना चाहती है। प्रधानमंत्री के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बीजेपी अपने मिशन 2022 को पूरी तरह सफल बनाने में जुट गई है। क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। पूर्वांचल की जंग फतह करने के बाद ही यूपी की सत्ता पर कोई पार्टी काबिज हो सकती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा को 17, बसपा को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। भाइयों और बहनों, हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी 2022 के चुनाव में अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गई है।
वाराणसी में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ और जिले के लिए करीब 5200 करोड़ की राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी मिशन पूर्वांचल में मददगार साबित हो सकता है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूर्वांचल की 164 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर कब्जा करने के बाद बीजेपी ने न केवल बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को हिलाया बल्कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। उम्मीद है कि पूर्वांचल के इन दौरों से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और योगी सरकार वापसी उत्तर प्रदेश में कर सकती है। धन्यवाद, जय जय श्री राम। पूर्वांचल में बीजेपी ने अपने समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जाति आधारित पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रखा है। बीजेपी अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगी। इन दोनों ही दलों का सियासी आधार पूर्वांचल के कई जिलों में मजबूत है। अनुप्रिया पटेल की कुर्मी वोटों पर पकड़ है तो संजय निषाद का मल्लाह समुदाय पर खासा असर है। इस तरफ पूर्वांचल के सियासी रण को बीजेपी ने मजबूत कर रखा है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा असर है और कुछ सीटों पर बीएसपी का वोट बैंक भी अच्छा है। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की भी प्रयोगशाला है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे दलों के जरिए और ओबीसी समाज के जरिए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। इसीलिए अपना दल हो या निषाद पार्टी, तमाम कवायदों के बीच कोशिश ये है कि ओबीसी समाज को और पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए। 2022 में बीजेपी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकना चाहती है, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार पूर्वी यूपी से दो चेहरों अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को जगह दी गई। लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली थी जबकि कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई थी। पूर्वांचल को देश में हमेशा यूपी के बीमारू हिस्से के रूप में देखा जाता रहा है। औद्योगिक विकास के नाम पर पहले की सरकारों ने इलाके में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। योगी सरकार में विकास के मामले में सबसे ज्यादा जोर पीएम मोदी के वाराणसी और सीएम योगी के गोरखपुर पर। जबकि अयोध्या में राम मंदिर की वजह से सरकार विकास कार्यों में ज्यादा रुचि ले रही है। योगी सरकार पूर्वांचल के उन जिलों में भी अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है जहां वो कमजोर है। बीजेपी की ये कोशिश तेजी से बढ़त पाने की छटपटाहट है क्योंकि विपक्ष के पास अभी पूर्वांचल को लेकर कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही। जाहिर है 2022 का चुनावी समर पूर्वांचल में सियासी पार्टियों के लिए सत्ता पर काबिज होने का एक अहम रास्ता बनने वाला है। पूर्वांचल में हेल्थ सेक्टर के जरिए बड़ी तादाद में सौगात देकर और सड़कों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से लखनऊ की गद्दी पर काबिज हो। हालांकि ये लोगों के दिलों में कितना उतरता है ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी के साथ सरफराज सैफी, वाराणसी, न्यूज इंडिया।